मेरी गाड़ी ठंड की वजह से बंद हो गई थी, तो उसका ढलान पे भी खड़ी थी घर में, जो हमारा ड्राइव है थोड़ा ढलान पे है, तो इस वजह से उसका ऑयल जमा था क्या पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी को फिर ये वाला GTX वाला डाल के मैं चल गई, स्टार्ट हो गई थी, फिर भी और अच्छी तरह से चेक के लिए आया हूँ। ये 10 मिनट ऑयल चेंज लिखा है, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना पड़ता है हमको, मेरे से आगे गाड़ी एक ट्रक खड़ा है, तो ये कर देंगे अपना उसके आगे फ्यूल सर्विस ऑटो केयर कुछ लिखा हो, क्या क्या फैसिलिटी है 20 पॉइंट पे ये करेंगे, 20 ब्रेक ऑयल A to Z सब देखेंगे। ये ऑयल चेंज करने के लिए लाया हूँ, 20 फैसिलिटियाँ और सिंथेटिक वाला कोई है अपग्रेड का, ये अंदर घुसा हुआ है पूरा, आदमी खड़ा होकर अंदर से तेल निकाल ले रहा है। चलो जी ये है 10 मिनट ऑयल चेंज फैसिलिटी है, इधर भी है फुल सर्विस ऑटो केयर की, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे टायरों की फैसिलिटियाँ भी है। अभी मैंने अपनी गाड़ी के चारों टायर डलवाए थे, दूसरे मूवीज करके कुछ होता है उस फर्म का नाम, ये 10 मिनट वाली कोई, 10 मिनट गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, लेकिन मैं उतर के पूरा देख रहा हूँ, तो अंदर से आदमी घुसा हुआ है, ये लगे हुए हैं लंबे लंबे मोजल वगैरह, सारा भर देगा ये, मेरे घर में कोई जानकारी नहीं है, 3 साल हुए आए हुए, जो करना कर दो भैया, चलो एक बार पूरी चेकिंग हो जाएगी, मैंने कहा सुविधा तो लो। मैंने अभी सर्दियां थी, -13 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, तो वो है एक्सचेंज ऑयल चेंज का, तो ये ड्राइव है अपना, मेरी ढलान पे खड़ी थी, 10 मिनट ऑयल चेंज करते हैं यहाँ पे 10 मिनट में, तो मैंने कहा चलो कम से कम याद के लिए थोड़ी रिकॉर्डिंग भी हो जाए। ऑटोमेटिक सुधा है अमरीका की ले रहे हैं आज पहली बार। चलो जी देखो ये वाली करोगर एक फार्मेसी से जहाँ से मैं अपनी दवाइयाँ लेता हूँ, ये उसका अंदरूनी हिस्सा, पहली रिकॉर्डिंग 19 मिनट की हो गई इसलिए काटनी पड़ गई, तो ये करोगर का एक जैसे वॉलमार्ट बहुत बड़ा स्टोर होता है, ये उतना बड़ा तो नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें वगैरह जैसे वहाँ है सेम यहाँ पे भी है, पानी की कई क्वालिटियाँ होती हैं, और ये और भी आइटम है, देखो अपनी पसंद के ये फ्रोजन आइटम है इनमें पड़े हुए, इसमें सारा फिशिंग डिपार्टमेंट में जो समुन्द्र के जल जीव होते हैं सारे उन्हीं का, और उन्हीं की बनी हुई जेलियाँ वेलियाँ हैं, जैम वगैरह हैं, और ये सब देखो हमारे अगर दिनेशपुर के भाई लोग बंगाली समुदाय के देख रहे होंगे तो उनकी मनपसंद मछली है ये वाली, तो शुद्ध मांसाहारी डिवीजन है ये वाली, ये देखो मछली। चलो जी मछली कईयों की पसंद होगी, यहाँ पे जो फेमस है सैल्मन करके कहते हैं, ये देखो सैल्मन हड्डी के बिना रहती है, और पीस है अलग अलग तरीके क्या क्या है सब फ्राई करके इन्होंने रख रखी हैं, कई कुकिंग के कई सिस्टम है, खाली तलने की जरूरत नहीं है इनको रहती है। देखो ये डिवीजन है अलग से एक, और ये भी इसका नाम तो एरा कहते थे मद्रास में, श्रिम्प होती है ये भर भर में रखी हुई है, ये केंकड़े हैं हमारे कितने बड़े बड़े जिनको चाइनीज लोगों का फूड हुआ ये वाला, और भी लोग खाते होंगे, बोनलेस होती है जिसको श्रिम्प कहते हैं, श्रिम्प ये समुन्द्र में मैं एक कंपनी में था, ये समुन्द्र के गहराई में जाके ये मछली पकड़ते थे, तो उसका कंपनी का नाम था न्यू मेरी टाइम एजेंसीज, तो वो समुन्द्र के जहाज जाते थे और फिर ला के उनको धो धा के ऐसे डिब्बे एक एक किलो दो दो किलो के पैक करके विदेश में एक्सपोर्ट करती थी हमारी वो कंपनी थी, मैं उसमें करीबन 2 महीने गुजारे थे, मुझे फिर वापस आना पड़ गया था, मेरी सर्विस वहाँ पे लगी थी। चलो जी ITI के स्टूडेंट थे उस नाते हम लोगों का वहाँ सिलेक्शन हुआ था, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये खाने पीने के पेड़े वेड़े, या हम जब भी इधर आता हूँ ना इस रीजन में मुझे पिन्नियों की याद आती है, इंडिया में तिल दिया पिन्नियाँ,
गर्म गर्म खाया करते थे, बादाम वगैरह पीस पास के, अखरोट पीस पास के, ये है तो वही आइटम, लेकिन यहाँ मीठा स्वीट शूट ज़्यादा मसला। अब अपनी शुगर वगैरह हो गई है तो कौन अब खाए। ये देखो अपना तरह तरह के पकवान, ये सब खाने पीने के सब वही आइटम है भाई। इतना ये अभी खाली पड़े हैं बर्तन, अभी दोपहर का वैसे अच्छा छुट्टी में होगा लड़का ना यहाँ का, तो यहाँ पे रेडी करके रखते हैं। ये देखो कुछ और भी आइटम है जिनके मुझे नाम ही नहीं पता, खाने वाले आइटम है सारी ये। इसमें एक और मैं लहसुन ले गया था यहाँ से, वो बिल्कुल तले हुए थे और डायरेक्ट खाने के, कच्चे खा नहीं सकता आदमी। ये फ्रूट डिवीजन हो गए, इधर केले वेले स्टार्ट हो गए और बहुत सी चीज़ें, सब्जियां वब्जियाँ घर की। ये कीवी हो गया, ये भी कोई नया नया आइटम है, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, येलो ड्रैगन हो गया और ये ड्रैगन फ्रूट हो गया। ये तो अपने अनार है, हमारे घर में भी था बेचारे, कभी भी इसमें बड़ा ट्रीटमेंट किया लेकिन वो सड़ जाता था बरसातों में, किसी ने मछली दबाओ उसकी जड़ों में, हमने दो दो तीन तीन किलो उस बच्चे नहर खजिया नहर से पकड़ते थे मछलियाँ, उनसे ले लेकर दवाई कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोग उसको ऐसे उतार लेते थे, पकने चाहिए थे पेड़ पे, बरसातों में वो गड़बड़ हो जाती थी। आगे जून के लगभग जब बरसातें स्टार्ट होती थी उसमें फिर वो सड़ने चालू हो जाते थे, मतलब आग उसमें कीड़े वड़े लग जाता था। ये बादाम वगैरह वगैरह वगैरह, चलो जी मैं छोटा छोटा क्या दिखाऊं, ये अखरोट वगैरह हैं, छिले छिले अखरोट भी रहते हैं, ये जूस वगैरह हो गया। ये क्रोगर की मैं बता रहा हूँ, क्रोगर में भी वही सब कुछ होता है जैसे वॉलमार्ट में होता है, उसमें डिवीजन अलग अलग रहती है। तो मैं इधर फ्रूट लेने ही आया हूँ, सब्जियाँ वब्जियाँ भी बहुत देरी हैं। ये रिफाइंड वगैरह वगैरह, आलू प्याज टमाटर सेब, ये बहुत अच्छा अच्छा सिस्टम है। देखो हर जगह एक ही तरह का मसला है। ये टमाटर, ये ऑर्गेनिक टमाटर है, मैं उसको बेर समझ के ले गया एक बार, मैंने कहा शायद पीले बेर इंडिया में होते हैं, ये पता चला घर जाके टमाटर निकले, ऊपर लिखा वखा इसमें कोई ऐसा था नहीं स्पेशली, जैसे अब इसमें टोमेटो छोटा छोटा लिखा, तो मैंने उसको आकार देख के मैंने कहा यो घर में धोखा हो गया मेरे को, मैंने कहा ये भी। एक बार एक और आइटम लिया था छोटे छोटे संतरे, वो भी मैं पीले पीले समझे बेर हैं, लेकिन वो भी धोखा निकला। देखो टमाटर हैं, कई आइटम ऐसे भी होते हैं जैसे मूलियाँ हैं छोटी छोटी बिल्कुल, मैंने जैसे आलू मान लो ये छोटे छोटे हैं, इसी तरह की एक बार मूलियाँ थी गोल गोल, मैंने कहा लो क्या 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 लेके आ गए। देखो ये बहुतायत में पाया जाता है जो भी आइटम है, इसको कहते हैं बेरी, स्ट्रॉबेरी भी हुई, बेरी भी हुई, ब्लूबेरी भी हुई, ब्लैक बेरी भी हुई, रेड बेरी भी हुई। ये है अपने मई जून का फल जो नदियों के किनारे में लगाते हैं लोग बाग रेता में। चलो जी मेरा टारगेट है आज नाशपाती, एक भाई हमारे पाकिस्तान के हैं, वो आज दोस्ती हमारी क्या हाल ने प्रभा ठीक ठाक हो, देखो मैं रिकॉर्डिंग इंडिया भेज रहा हूँ, तुहाडे फोटो भेज रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के भरा सानू बड़ी खुशी होती है लाभ की आज फिर और ठीक ठाक वधिया करण दे थोड़ा जहा दिक्कत सी पैर का प्रश्न है वह रेस्ट कर रहा है ठीक है चलता फिरता हूं वह मौजे मौजे तुझे मिल गए मौज आ गया थोड़े को फोटो किन्ने मिनट मशहूर हो गया। चलो जी सानू पर चार पांच वारी भरा मिले इतने देखो जी हूँ मैं जो कुछ नहीं लिया एक दवाई मेरे को तो बाकी मैं हूं आज थैला प्लास्टिक आंदे ने अमरीका प्लास्टिक बैन इतने भी होंगे लेकिन इंडिया वर्गे खप खाना नहीं गा ये तो प्लास्टिक देंगे ने समान पैक करो मैं नाशपतियां लैन लगा वहां ज्यादा मिठिया नहीं होंगे एक साढ़े सिंह साहब साढ़े भरा वे भरा ने कहा है कि शुगर वाले पपीता भी खाया करो सरदार करमजीत सिंह विरक साहब। चलो जी आज मैं वो आइटम भी लाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो रो रहा हूँ। ये प्याज है यहाँ पे देखो मैं प्याज ही खाना चाहता हूँ। ये सफ़ेद रंग के बाबा रामदेव जी के जो टीवी में प्रोग्राम आते उसमें बताते थे सफ़ेद प्याज ले लो और उसका क्या क्या करो, मुझे वो पता नहीं आँखों के लिए होता था ट्रीटमेंट या कान के लिए नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं सफ़ेद प्याज और अच्छे खासे मोटे ताजे। देखो एक ये हल्का हल्का हुआ लाल,
ये उससे तगड़ा वाला हुआ और ये सफ़ेद हो गया, ये तो पहले वाले की तरह ही है। और आलू देखो, शकरकंदी देखो, एक से एक आइटम देखो, ये आलू ये वाले भी हैं, लाल वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, और बहुत बड़े बड़े पैकिंग में भी हैं, बिना पैकिंग के भी हैं। चलो जी, शॉपिंग हमारी क्रोगर की आज। ये देखो, ये शलजम हो गई, ये बंद गोभी होगी हरी वाली, और ये लाल वाली। ये फूल गोभी जैसे अपने इंडिया में होती है, इसको ब्रोकली कहते हैं, हरे वाली को नाम बदले हैं, रेट बढ़ा देते हैं। ये पत्ते पत्ते मिलते हैं, ये बेबी स्पेंज का मतलब हो गया पालक के पत्ते, ऐसे साफ सुथरे धुले धुलाए मिलते हैं। बड़ा एजी कर रखा है इन लोगों ने और खर्चे बड़े बढ़ा रखे हैं। जितने भी कटे हुए पीस हैं, जो कटिंग वटिंग सबके पैसे इसमें ऐड होते हैं, बट नो पपाया है। Which side? It's gonna be between the bananas, but I don't... This side? Okay, I'll check. Thank you, friend. किसी मैंने पूछा भी किधर इधर पपाया किधर है, तो उसने कहा इधर बनाना है उधर ही। चलो जी, पहले इधर घूम गया हूँ, दिखे नहीं, लग रहा है आज है नहीं यहाँ पे। फ्रूट के एरिया में दोबारा आना पड़ गया, नहीं है इधर, नहीं है। चलो जी, इसी तरह से ये देखो जी, बोराज है, एक आइटम होते हैं, सब खाने के आइटम हैं। ये क्या क्या है मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मांस के बने हुए होते हैं सारे आइटम, कुछ पनीर के भी होते हैं। चीज़ मैंने एक इनकी नकली पनीर से होती है, एक दूध वाली पनीर होती है। देखो ये पीस कटे हुए हैं इनके, किस किस के हैं, ये डिपार्टमेंट अलग से है। लो ये पपाया हमें नहीं मिला इधर, दूसरे स्टोर में मिलेगा। चलो जी, यहाँ पे बियर वाइन की भी सारी बोतलें रखी हुई हैं, पूरी सजा के खुले आम। और यहाँ तीन वेराइटियाँ होती है, एक बियर होती है, एक वाइन होती है, एक लिकर हुई, और लिकर का मतलब असली शराब। और यहाँ पर ज़्यादातर मुझे तो आइडिया नहीं, हमारे स्टोरों में जो बिकती है वो बियर वाइन भी बिकती है, जो कम 4% 5% रहती है, वो सिर्फ बॉडी को गर्म रखने के लिए होती है। ये फूल वूल हैं, बुके वुके जैसे वहाँ ईडन मार्केट में थे, सेम मेटर है। संतरे वंतरे भी हैं यहाँ पे, पैकिंग में भी हैं, खुले भी हैं। ये क्रिसमस में ये फूल वूल बहुत लाल वाले बिकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मुरझा गए हैं, क्रिसमस निकल गई है कल। चलो जी, ये है स्टारबक्स का कॉफ़ी का एरिया, बहुत मीठा होता है इसमें। चलो जी, फ्रूट नहीं मिल पाया यहाँ पे, मेरे पास से दूसरे स्टोर पे जाऊँगा, मेरे घर के नज़दीक। ये भी घर से 10 मिनट की दूरी पे है, वो ईडन मार्केट हमारा मुश्किल से 3-4 मिनट की दूरी पे। ये देखो कोका कोला का, यहाँ पे मेड इन इंडिया जैसे हमारा गाना था, यहाँ पे मेड इन अमेरिका कोका कोला, हमारा अटलांटा में ही बनता है, हमारी ही शहर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और इसी बड़े बड़े देशों में यूनिटें खोल रखी हैं, कोका कोला पानी भेज रहे हैं। ये है कस्टम मनी सर्विस है, किसी ने इंडिया में भेजनी है, कुछ भेजनी है, तो ये डिपार्टमेंट उनकी मदद करता है। टी शर्टें वल्टें, देखो दूध इधर भी रखा, उधर भी था, किसी ग्राहक को अचानक दिखाने के लिए भी उठा लो यहाँ से चाहिए तो।